सो हेलो भाई लोग, कैसे हो सभी के सभी। वेलकम है हमारे नए ब्लॉग पे। तो अभी भाई अभी नवरात्रि चल रहा है, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो पीछे देख सकते हो हम यहाँ पे आए हैं माँ बंजारी तराई माल, ठीक है, माँ बंजारी मंदिर तराई माल। तो आज मैं इसका पूरा जो आपको घुमाने वाला हूँ, मैया का दर्शन कराने वाला हूँ, उसके साथ साथ मैं आपको जो ड्रोन शॉट भी देने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए हम जो है मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो मेरे साथ है भाई, नाम बता दे भाई। निर्मल यूट्यूब चैनल है निर्मल ब्लॉग्स। तो इसका भी चैनल है, लिंक नीचे दे दूंगा, सब्सक्राइब कर लेना। और मेरे साथ है समीर और सुरेश। तो चलिए मंदिर के जो है अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये है मंदिर का गेट। तो चलिए हम जो है यहाँ पे माँ बंजारी मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। और अभी फिलहाल जो है दिन का टाइम है, तो अभी ज़्यादा भीड़ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और साथ ही साथ नौ दिन जो है नवरात्रि में यहाँ फ्री में खाना की सुविधा उपलब्ध होती है। तो उधर भी मैं आपको दिखाऊँगा, यहाँ पे जितने भी आसपास में मंदिर है वो सब के सब मैं दिखा दूंगा। पहले हम माँ बंजारी में जो है माँ बंजारी का मैं आपको दर्शन कराता हूँ। तो चलिए जो है हम यहाँ पे अंदर चलते हैं। तो देख सकते हो माँ बंजारी जो है विराजमान है वहाँ पे। तो जितने भी अपनी मैया हैं साइड साइड में आपको सभी जो है दिख जाएंगी। मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ, पहले जो हम मैया का दर्शन जो है कर लेते हैं। तो यहाँ पे पुजारी भैया लोग जो है लगे रहते हैं, मैया के साथ रहते हैं। और देख सकते हो अपने जो मैया माँ बंजारी मैया। तो यह है बंजारी मैया का पूरा मंदिर, जो कि भव्य तरीके से पहले से बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है। और नवरात्रि के टाइम पे यहाँ पे बहुत भीड़ चलता है। तो चलो मैं जो है यहाँ पे पूरा का पूरा मंदिर अंदर घुमाता हूँ। तो यहाँ पे श्री गणेश जी का मूर्ति पहले देख लो, और यहाँ पे उसके बाद जो है अपने मैया का मूर्ति। और यहाँ पे और एक गेट है, तो यहाँ पे अपनी पहली मैया शैलपुत्री, और आगे बहुत सारे एक एक करके मैं दिखाऊंगा आपको। और ये अपना ब्रह्मचारिणी, उसके बाद जो है अपनी चंद्रघंटा मैया, और फिर कुसमुंडा मैया, कुसमुंडा, और वहाँ पर मेन जो है अपनी मैया है। और यहाँ पे स्कंद माता, कात्यायनी माँ, और यहाँ पे एक मैया, नाम तो हर पता नहीं, नाम किसी किसी में नहीं है। और यहाँ पे महागौरी मैया, और यहाँ पे सिद्ध दात्री मैया जी, और यहाँ पे अपनी मैया श्री सरस्वती। तो ये पूरा मंदिर का अंदर का नज़ारा है। और मंदिर जो है काफ़ी अच्छी तरीके से सजाया गया है, और मंदिर में बहुत भीड़ होता है। फिलहाल अभी नवरात्रि टाइम जो है, मतलब पाँचवें छठवें दिन जो यहाँ पे भीड़ स्टार्ट होता है, अभी फ़िलहाल कम ही रहता है। तो अगर आप लोग आना चाहते हो मंदिर घूमना चाहते हो, तो अगर कम भीड़ में आना चाहो तो दिन में आप लोग आ सकते हो, या फिर आप लोग ट्राई करना कि आप लोग नाइट में आओ, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा भीड़ देखने की जो मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा भीड़ देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलो हम जो है मंदिर के आगे बाहर निकलते हैं, और यहाँ पे जितने भी मंदिर है वो सब कुछ मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को। तो जैसे ही मंदिर से हम बाहर निकलते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा तेल ज्योति दीप गृह, जहाँ पे जो है दिए जो है जलाए जाते हैं नवरात्रि पे। तो ये पहला दूसरा वाला घर है, और वहाँ पे पहला आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो वहाँ भी चलो हम ऊपर चढ़ते हैं, और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ से आपको सभी के सभी दिए जो है जल रहे हैं देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अंदर तो शायद ही जाने देंगे, बाहर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये पहला वाला था, दूसरा वाला उधर है, और ये है अपना पूरा का पूरा मंदिर। अभी जो है बरसात हो सकता है। तो ये है अपना जो है दूसरा दीप गृह, जो कि इसमें भी अभी ज्योति जो है जल रही हैं, और दोनों में जल रहे हैं फिलहाल। एक वहाँ है, एक यहाँ है, ऊपर दोनों अभी फ़िलहाल पता नहीं क्यों नहीं लगा ऊपर, वरना ऊपर भी जलता है। तो चलो हम जो यहाँ पे जितने भी वहाँ पास दो मंदिर है, शिव भगवान और हनुमान का, और वहाँ पे जो है राधा कृष्ण मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर है, तो उनका भी मैं आप लोगों को दर्शन करा देता हूँ। तो यहाँ पे दो मंदिर है, जस्ट मंदिर मैया के मंदिर के जस्ट बगल में, जैसे कि मैंने आपको जो दीप गृह दिखाया, तो जस्ट बगल में है। सबसे पहला जो अपना मंदिर है वो है श्री शिव मंदिर, और उसके बगल में हनुमान मंदिर। तो सबसे पहले हम चलते हैं शिव मंदिर में। तो ये अपना शिव मंदिर, जिसमें अपने शिव जी विराजमान है, और इसके जस्ट बगल में दूसरा मंदिर है, वो है श्री हनुमान मंदिर। तो ये है अपना हनुमान मंदिर, जिसमें अपने हनुमान जी हैं,
तो ये अपना दो मंदिर हो गया और उधर दो मंदिर हैं, तो चलिए मैं उधर भी आपको जो है घुमाने ले चलता हूँ। और इस मंदिर के जो बगल में आपको जो है कुछ कुछ मेडिकल सेवा प्लस जो यहाँ के स्टाफ को देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप लोग रसीद कटाना चाहते हो तो वहाँ पे आप रसीद कटा सकते हो। तो वहाँ पे और दो मंदिर हैं तो उसको भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये अपना सबसे पहला जो मंदिर यहाँ पे है वो है श्री राधा कृष्ण मंदिर। तो ये अपना श्री राधा कृष्ण मंदिर और उसके जस्ट बगल में है अपना श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर और उसके बाद श्री राम दरबार। तो इधर तीन मंदिर और उधर दो मंदिर, मेन अपनी जो बीच में मैया विराजमान है। और ये था अपना पूरा का पूरा मंदिर और त्रिमाल का जो मंदिर है और बगल में है अपना जो हवन जो होता है वो। तो ये था इसी ब्लॉग में मैंने पूरा जो है यहाँ पे आपको जो है मंदिर दिखा दिया है। तो यहाँ पे जो है अपना चंडी पाठ होता है और यहाँ पे देख सकते हो जो कुछ है यहाँ पे। और यहाँ पर चंडी पाठ जो है किया जाता है जो कि जस्ट मंदिर के बगल में है और यहाँ पे चंडी पाठ होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, आगे आपको ड्रोन शॉट म्यूजिक के साथ मिल जाएगा। सो बस इस वीडियो पे इतना ही, वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल में नए हो तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।